गंगोत्री धाम में फिर से एक बार बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे ठंड एक बार फिर लौट आई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि 10-15 साल बाद हमने अप्रैल के महीने में ऐसी बर्फबारी दूसरी बार देखी है। वहीं काश्तकारों का कहना है कि ऐसी बर्फबारी होती रहेगी तो हमारे सेब के बगीचों में फ्लावरिंग हो रखी है, जो कि बिन मौसम बर्फबारी की वजह से खराब हो जाएगी। अगर बर्फबारी का सिलसिला यूं ही चलता रहे तो इस बार भी सेब के काश्तकारों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और हरसिल क्षेत्र में ये अभी दूसरी बर्फबारी है, और इससे पहले दिन में ओले गिरे थे और 3 दिन पहले बर्फबारी हुई थी, जिससे किसानों को 60% का सेब पे नुकसान उठाना पड़ा है। अभी और पड़ी है तो इससे कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी फ्लोरिंग जो हाइट वाले बगीचे हैं उन पे फ्लोरिंग चल रही है और इसका पता 1-2 दिन बाद लगेगा, और जिससे किसान बहुत मायूस हो रखे हैं। धन्यवाद। दरअसल हर्षिल घाटी सेब के उत्पादन को लेकर खास पहचान रखती है। हर्षिल घाटी के 8 गांवों के ग्रामीण की आजीविका का मुख्य जरिया सेब उत्पादन है, लेकिन इस बार बर्फबारी ने काश्तकारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बीते साल 9 अप्रैल को भी हर्षिल घाटी में बर्फबारी हुई थी, लेकिन उसके बाद मौसम एकदम साफ हो गया था, लेकिन इस बार तो सेब के काश्तकार मायूस हो गए हैं। उपला टकनौर जनमंच के अध्यक्ष माधवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि हर्षिल घाटी में अप्रैल के महीने 4 बार की बर्फबारी हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बुधवार की रात और गुरुवार को हुई बर्फबारी से हुआ है। सेब की फसल के नुकसान के लिए काश्तकार बीमा कंपनी से भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन संपर्क नहीं हो पा रहा। वहीं पौड़ी श्रीनगर गढ़वाल कीर्ति नगर में भी सभी क्षेत्रों में तेज बारिश से शहर में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज बारिश के बाद कुछ देर जमकर ओले भी गिरे। वहीं ओलावृष्टि होने के बाद तापमान में गिरावट आने से एक बार फिर मौसम सुहाना हो गया है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए सुमित कुमार और भगवान सिंह की रिपोर्ट।